और आज लोकतंत्र का महापर्व था। देश के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है जो कि अब समाप्त हो चुका है। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था जो अब समाप्त हो चुका है। अंडमान निकोबार में 5 बजे तक 56.87% मतदान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 63.27% चुनाव हुए हैं। वहीं असम में 70.77% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी की बात करें तो 72.84% मतदान हुए हैं और वहीं सिक्किम में 67.58% मतदान हुए। तमिलनाडु में 62.23% मतदान हुए। त्रिपुरा में 67.10% मतदान हुए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 77% मतदान हुए हैं। वहीं दिल्ली में पहले चरण के लिए 102 लोकसभा सीटों पर और आज देश में 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान था जो कि अब समाप्त हो चुका है। बिहार की बात करें तो 46% मतदान हुआ है बिहार में और मध्य प्रदेश की बात करें तो 63.25% मतदान हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में 54.85% मतदान हुआ है। मणिपुर की बात करें तो 67.66% मतदान हुआ है। वहीं मिजोरम में 52.73% मतदान हुए। नागालैंड में 55.79% मतदान हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो 50.27% मतदान हुए हैं। तमिलनाडु में 62.62% वोटिंग हुई है। वहीं सिक्किम में 67.58% मतदान हुए हैं। त्रिपुरा की बात करें तो 67.67% और आज 21 राज्यों में पहले चरण के लिए 102 लोकसभा सीटों के पर मतदान हुए हैं जो कि अब समाप्त हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 63.27% मतदान हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 63.41% मताधिकार का प्रयोग किया है लोगों ने। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 65.8% लोगों ने वोट किया है और लक्षद्वीप में 49.2% लोगों ने वोट किया है। मध्य प्रदेश की तरफ आए तो 63.25% लोगों ने वोट किया है। मेघालय में चलिए बात करते हैं नागालैंड की, 55.79% लोगों ने आज मतदान किया है। राजस्थान में 50.27% लोगों ने मतदान किया है। वहीं पुडुचेरी में 72% लोगों ने मतदान किया है। तमिलनाडु की बात करें तो 62% लोगों ने मतदान किया है।